أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, जलसे को जिस तरीके से आपने सुकून के साथ अब तक सुना है, अब भी इसको इसके सुकून को बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि अगर आप सुकून से सुनेंगे तो मैं बड़ी मोहब्बत से कुछ बातें आपके सामने, बड़ी अहम बातें रखूंगा जो आपके दीन और दुनिया में इंशाअल्लाह काम आएंगी। कोई फजूल बात, कोई इधर उधर की बात आपके सामने नहीं होगी, जो बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी और सही वाक़यात की रोशनी में होगी इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के दूसरे पारे की एक आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया है। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी यह है कि हमने दीन का मतलब बहुत महदूद समझा है, हमने दीन को बहुत सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। जब हमसे कोई कहता है कि दीन क्या है तो हम कहते हैं कि दीन का मतलब है कि आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, जकात दे, हज करे, यही दीन। एक आदमी के चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी लगाए है, वो माथे पर सजदे का निशान है, पांचों टाइम की नमाज का पाबंद है, हमसे कोई पूछे कि साहब ये इंसान कैसा है, हमारे मुंह से फौरन निकलता है कि ये पक्का मुसलमान है, ये दीनदार है, है कि नहीं? ऐसा है ना? अल्लाह ताला ने हमारी इस गलतफहमी को दूर किया है। अल्लाह ने इस आयत में बताया है कि दीनदारी का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सूरह बकरा की आयत है, कुरान के दूसरे पारे की आयत, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है, 208 नंबर की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुन मुबीन। ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान और मोमिन करार देते हो, अपने आप को मुसलमान समझते हो, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों और इस्लाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ दाढ़ी रखने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ शक्ल सूरत वाले मुसलमान न बनो, उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुम मस्जिद में जाते हो, पांच टाइम की नमाज तुम पढ़ते हो और अपने आप को ये समझते हो कि तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो, तो जब तुम मार्केट के अंदर कारोबार करने जाते हो, जब तुम दुकान खोल करके बैठते हो, जब तुम बिजनेस करते हो, जब तुम व्यापार करते हो, तो अपने कारोबार के अंदर भी तुम मुसलमान बनो। जब तुम किसी के साथ लेन देन का मामला करते हो, जब तुम किसी से पैसे का लेन देन करते हो, तो वहां पर भी तुम मुसलमान बनो। तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा लोगों के साथ सुलूक कैसा है, तुम सुलूक और अखलाक के अंदर भी मुसलमान बनो।
या अय्युहल्लज़ीना